कहते हैं जब नींव भी कमजोर हो तो बड़ी से बड़ी इमारतें जल्द ध्वस्त हो जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सागर जिले के बंडा विधानसभा क्षेत्र की, जहाँ पर बेवस नदी के पास खसरा बेड़ा स्थित माँ संतोषी माता मंदिर के समीप बनने वाले स्टाप डैम की पिचिंग का काम, जिसकी लागत 1,26,00,000 रुपए की कीमत है, इसकी शुरुआत ही भ्रष्टाचार के साथ हो रही है। जहाँ 1 करोड़ से भी अधिक राशि से बनने वाले इस स्टाप डैम की नींव काली डस्ट और घटिया सीमेंट द्वारा रखी जा रही है। 50 के रूप लिखा है, पिछले पुराने दिनों से डला है, ये अपन को पता नहीं है। जी तो ठेकेदार को पता होगा, अपन तो वर्कर है, काम करवा रहे हैं, साइड देख रहे हैं, काम देख मैनेजर ही का। ये अग्रवाल कॉन्ट्रैक्ट टीकमगढ़ के है अग्रवाल जी। क्या नाम उनका, पूरा नाम बताइए। नाम नहीं पता, अग्रवाल जी के नाम से ठेकेदार। अब स्टाफ डैम तो सीमेंट का काम है, गिट्टी बालू रेता है चीज से नहीं, डस्ट कहाँ रेता मिल रही है ना, कौन कह रहा है, रेत तो वहाँ है ही नहीं। हम लोग डस्ट लेके आ रहे हैं, आप दिखा दो ना, देख लो, हम दिखा रखी होंगी कहीं। काम हो गया, तुम अभी काम क्या हो गया, पूरा डस्ट लगी है चारों तरफ, डस्ट लगी पहले। वही जब इस घटिया काम की जानकारी मीडिया को लगी तो मौके पर जाकर देखा कि इस निर्माण कार्य करने वाली अग्रवाल एस्टेट कंपनी को बंडा नगर परिषद के द्वारा टेंडर प्रक्रिया में पास हुआ था और इस स्टाफ डैम की पिचिंग का काम बंडा पंचायत के हैंड ओवर था, लेकिन 1.25 करोड़ से भी ज्यादा लागत से बनने वाले स्टाफ डैम की किसी भी जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने अभी तक सुन नहीं ली। जबकि वीडियो में साफ तौर से दिख रहा है कि स्टाफ डैम की पिचिंग किस घटिया किस्म से तैयार की जा रही है। जाँच नहीं की गई है, मैंने 15 दिन पहले यहाँ पर निरीक्षण किया था इंजीनियर के साथ, जो कि तत्काल इंजीनियर सौरभ श्रीवास्तव सागर के इंजीनियर यहाँ चार्ज में थे, उनके द्वारा बताया गया था कि काम अच्छी गुणवत्ता का किया जा रहा है, लेकिन अभी कुछ लोगों द्वारा कंप्लेंट आई है कि सीमेंट या डस्ट का यूज़ किया गया, गुणवत्ता लो क्वालिटी की है, इसलिए हम आरजी और अपने यहाँ के इंजीनियर को और अगर जरूरत पड़ेगी किसी अन्य निकाय के या अन्य विभाग के इंजीनियर को भेज के इसकी जाँच कराएं। अब देखना होगा कि आला अधिकारी इस स्टाफ डैम की घटिया निर्माण को लेकर संबंधित ठेकेदार अग्रवाल एस्टेट कंपनी पर किस प्रकार की कार्रवाई करती है। अथर्व न्यूज के लिए बंडा से अक्षय रजक की रिपोर्ट।